तो गाइस अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है जहां पर मैंने आप सभी को बताया है कि आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन कैसे होगा, बिकॉज दो नई टीम्स आने वाली है तो फॉर्मेट क्या होगा प्रोबेबली वो मैंने आपको बताया है। नीचे कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल भी आप सभी ने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपको उन पांच प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूं जिनको चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करेगी या फिर आरटीएम कार्ड यूज करेगी आईपीएल 2022 में। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2018 में लेके जाना चाहूंगा एक बार, बिकॉज लास्ट टाइम 2018 में ही हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिला था। तो एक बार मैं आपको रूल बता देता हूं। तो एक फ्रेंचाइज मैक्सिमम पांच प्लेयर को रिटेन कर सकता है रिटेंशन पीरियड के दौरान रिटेन करके, प्लस ऑक्शन में आरटीएम कार्ड यूज करके, मतलब दोनों को मिला के मैक्सिमम पांच प्लेयर को एक फ्रेंचाइज रिटेन कर सकता है। एक फ्रेंचाइज मैक्सिमम तीन रिटेंशन, मतलब रिटेंशन पीरियड के दौरान सिर्फ तीन प्लेयर को ही रिटेन कर सकता है और ऑक्शन में मैक्सिमम तीन आरटीएम यूज कर सकता है। अगर एक फ्रेंचाइज कोई भी प्लेयर को रिटेंशन पीरियड के दौरान रिटेन नहीं करता है देन उसको तीन आरटीएम कार्ड मिलेगा, और अगर कोई फ्रेंचाइज तीन प्लेयर को रिटेन करता है देन उसको सिर्फ दो ही आरटीएम कार्ड मिलेगा। इसके अलावा कुछ और रूल्स है, लाइक एक फ्रेंचाइज मैक्सिमम थ्री कैप्ड प्लेयर यानी कि जो इंडिया के लिए खेलते हैं उनको रिटेन कर सकता है, एक फ्रेंचाइज मैक्सिमम दो ओवरसीज यानी कि विदेशी खिलाड़ी को रिटेन कर सकता है, और एक फ्रेंचाइज मैक्सिमम टू अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर सकता है, यानी कि ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने अभी तक इंडिया के लिए डेब्यू ना किया हो, लाइक ऋतुराज गायकवाड़, एन जगदेशन, ये कुछ एग्जांपल हो गए। तो ये रूल्स थे। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, मैं आपको उन पांच प्लेयर्स के नाम बताता हूँ। सबसे पहले होता है रिटेंशन प्रोसेस, तो पहले मैं उन प्लेयर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिनको चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करेगा ड्यूरिंग रिटेंशन पीरियड। चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे पहला रिटेंशन पीरियड के दौरान होंगे महेंद्र सिंह धोनी, ऐसा मुझे लगता है। मैं MSDN हूं तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी नेक्स्ट सीजन खेले। मैं आपको बता दूं चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी सीजन नहीं होने वाला है, मतलब महेंद्र सिंह धोनी अगला सीजन भी खेलेंगे, और अगर खेलते हैं तो नो डाउट मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स उनको वापस से रिटेन करेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर महेंद्र सिंह धोनी नेक्स्ट सीजन खेलते हैं देन वो दो तीन साल और खेले, नेक्स्ट मेगा ऑक्शन का वेट करें, जैसे नेक्स्ट मेगा ऑक्शन आएगा आप वहां पर रिटायरमेंट ले सकते हो। अगर महेंद्र सिंह धोनी अगला सीजन खेलते हैं तो मैं चाहूंगा उसके बाद दो तीन सीजन और खेले। इसके बाद दूसरा रिटेंशन होगा ड्यूरिंग रिटेंशन पीरियड रविंद्र जडेजा। नो डाउट कमाल का प्लेयर है, वर्ल्ड कप के बाद रविंद्र जडेजा का बैटिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, उसके बाद आईपीएल में भी, आईपीएल 2020 में अच्छा किया, इंडिया के लिए भी अच्छा किया, आईपीएल 2021 में तो कमाल के फॉर्म में थे, एक ओवर में 37 रन स्कोर किया, इसके अलावा और भी जो नॉक खेला वो भी उनका बहुत अच्छा था। तो रविंद्र जडेजा कमाल के फॉर्म में है, बैट से, बॉल से एंड फील्डिंग से तो वो बहुत पहले से ही अच्छे फॉर्म में है, तो नो डाउट चेन्नई सुपर किंग्स का दूसरा रिटेंशन होगा रविंद्र जडेजा। इसके बाद अब चेन्नई के पास सिर्फ एक और मौका है, मतलब एक और प्लेयर को चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन कर सकता है। ऑप्शंस आपके पास मल्टीपल हैं, सैम करन, सुरेश रायना, फाफ डुप्लेसिस, मोइन अली। मैं पर्सनली जाना चाहूंगा सैम करन के साथ। अब देखो रायना के साथ मैं क्यों नहीं गया, अगर मैं आपसे पूछूं कि सैम करन और सुरेश रायना किस पे ज्यादा बिड लगेगा आईपीएल 2022 के ऑक्शन में अगर दोनों प्लेयर्स होते हैं तो आई एम श्योर 99% लोग कहेंगे सैम करन, बिकॉज वो प्लेयर फ्यूचर है, वहीं पर रायना को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा, बिकॉज रायना कितना खेलेंगे अभी किसी को नहीं पता है, वहीं पर सैम करन आपके लिए 15 साल भी खेल सकते हैं, मतलब 15 सीजन, आप समझ लो कितना ज़्यादा टाइम हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैम करन बेस्ट चॉइस है थर्ड रिटेन प्लेयर के लिए, तो तीसरे नंबर पे मैं सैम करन को रखूंगा। तो ये थे हमारे वो प्लेयर्स जिनको चेन्नई सुपर किंग्स रिटेंशन पीरियड के दौरान रिटेन करेगा। अब हमारे पास दो आरटीएम कार्ड है, जैसा मैंने आपको बताया अगर कोई टीम तीन प्लेयर को रिटेन करता है देन उसको सिर्फ दो ही आरटीएम मिलता है। आते हैं हमारे आरटीएम पे, तो चेन्नई सुपर किंग्स अपना सबसे पहला आरटीएम कार्ड यूज करेगा सुरेश रायना पे। अब देखो सुरेश रायना को नहीं रखा, उसका मैंने आपको रीजन भी बताया कि उनपे ऑक्शन में सैम करन से ज़्यादा बिड नहीं लगेगा, प्रोबेबली ऐसा मुझे लगता है कि 6 करोड़ से ज़्यादा बिड नहीं जाएगा, बिकॉज कोई भी टीम रायना को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहेगा, रायना कितना खेलेंगे नहीं पता है और नेक्स्ट मेगा ऑक्शन 3 साल बाद होगा, तो फिर 3 साल रायना खेलेंगे नहीं पता है, तो इसके कारण मुझे नहीं लगता है कि रायना
को कोई लेकर रिस्क लेना चाहेगा तो रायना पे मुझे लगता है कि 6 करोड़ से कम बिट जाएगा और चेन्नई उन पे आरटीएम कार्ड यूज करेगा। इसके बाद एक और आरटीएम बचेगा चेन्नई के पास जो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स फाफ डुप्लेसिस पे यूज करेगा। देखो दो ऑप्शन था अली एंड डुप्लेसिस का, मैं फाफ डुप्लेसिस के साथ जाना चाहूंगा। नो डाउट मोइन अली भी कमाल के ऑलराउंडर है, अच्छे फॉर्म में, लेकिन मैं डुप्लेसिस के साथ जाना चाहूंगा। और देखो आप अली को भी ना खरीद सकते हो बिट लगा के, मुझे ऐसा लगता है कि अली पे ज्यादा बिट नहीं जाएगा बिकॉज मेगा ऑक्शन में आपके पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स होते हैं। इस साल था मिनी ऑक्शन, वहां पे आपके पास इतने क्वालिटी ऑलराउंडर्स नहीं थे जिसके कारण आपको मोइन अली पे 10 करोड़ लगाना पड़ा, जो मुझे लगता है नहीं लगेगा मोइन अली पे। आप ऐसे ही ऑलराउंडर्स को खरीदना चाहोगे जो तेज गेंदबाजी भी कर सके और बल्लेबाजी भी कर सके, ज्यादा टीम्स ऐसे ही ऑलराउंडर्स को प्रेफर करती है। तो मुझे लगता है कि मोइन अली पे भी 8 करोड़ से ज्यादा बिड नहीं जाएगा, तो आप उन पे वंस अगेन बिड लगा के उनको परचेस कर सकते हो। तो गाइस ये वो 5 प्लेयर्स है जिनको मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में रिटेन करेगा। अब देखो अगर आपको अदर 7 टीम्स पे वीडियो चाहिए उसके लिए मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ 1000 लाइक का। अगर कंप्लीट हो जाता है तो जैसे ही कंप्लीट होगा मैं अदर जो 7 टीम्स है उनके वीडियो पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा। एंड कमेंट्स में आप लिख के बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टीम पे चाहिए, जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा जैसे ही 1000 लाइक कंप्लीट हो जाता है मैं उसी पे सबसे पहले वीडियो डालूंगा। तो लाइक कर देना, वीडियो को भूलना मत। एंड अभी के लिए सोडम बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।